गौरव वल्लभ जी, पूरे देश में खुशी है, इतना जोश है। 2019 में यही राफाल राफाल उठाकर आप लोग इतनी बुरी तरह से शिकस्त के शिकार हुए, लेकिन फिर भी वापस आज के शुभ दिन भी आप वही रोना रोना चाहते हैं देश के सामने। अंजना जी, मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं जो भी बोलूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। नंबर एक चीज अंजना जी, और बड़े सम्मान के साथ और बड़े हर्ष के साथ ये एक वाक्य बोल रहा हूँ कि आज 5 राफेल का हिंदुस्तान की सरजमी पर मैं सैल्यूट करके स्वागत करता हूँ। ये भारत के लिए और समस्त देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और गौरव प्रदान करने वाला चीज है, और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस हवाई जहाज को कांग्रेस पार्टी ने शॉर्टलिस्ट किया, जिस हवाई जहाज को कांग्रेस पार्टी ने फाइनलाइज किया, वो हवाई जहाज आज देश की हिंदुस्तान की सरजमी पर आ चुका है। ये मेरे लिए दूसरा हर्ष का विषय है। पहला तो मेरे देश की शक्ति बढ़ी, दूसरा इस हवाई जहाज को शॉर्टलिस्ट मेरी पार्टी ने किया। नंबर तीसरी बात कि आज तीसरे हर्ष की बात ये है मेरे लिए कि हिंदुस्तान के लोगों का पैसे से जो हिंदुस्तान के लिए हवाई जहाज खरीदे गए, और मैं अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का वक्तव्य सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या बोला कि जो आसपास के लोग जो हमारे तरफ खिड़की से देख रहे हैं, उनको राफेल का नाम ही काफी है। अंजना जी, ये 36 हवाई जहाज में से 5 आए हैं, इससे ही चीन और पाकिस्तान थर थरा गए हैं। अगर 126 खरीद लेते जो कि हम प्रस्ताव करते रहे, जो 2014 में जिसके लिए हम अनुमोदन करके गए, अगर 136 खरीद लेते तो 126 खरीद लेते तो पूरे विश्व में आज भारत का डंका बच जाता। क्योंकि रक्षा मंत्री की जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 5 आए उससे 3 थर थरा गया, और मुझे उम्मीद है कि वो थर थरा के इमीडिएटली पेंगोंग सो लेक जहाँ पे वो अपना डेरा जमा के बैठा है भारत माता की भूमि में, वहां से वो इमीडिएटली पीछे हट जाएगा थर थराता हुआ 5 के नाम से। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे भारत की सरकार पे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल अच्छी बात कही प्रधानमंत्री जी ने, जस्ट एक लास्ट लाइन कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। यही बात हम भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत माँ की भूमि में ये कायर और गद्दार चीन की सेना बैठक से सुरक्षा करनी है। आज वो थर थरा रहा होगा कि मुझे तो लगता है चले भी गया होगा नाम सुन के। कल सैटेलाइट इमेज आप दिखाएंगे अंजना जी, आज तक से तो पता चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोलते हैं, रक्षा मंत्री जी कुछ बोलते हैं, और वहाँ के जो जीओसी कमांडर है जनरल वाई के जोशी वो कुछ और बोलते हैं। पर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक बार पुनः भारत के सारे वायु सैनिकों को और भारत के हर देशवासी को गर्व के साथ सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, गर्व के साथ सैल्यूट कर रहे हैं, और साथ ही ये भी पूछ रहे हैं सुधांशु जी कि अब जब ये राफाल विमान आ गए हैं तो क्या पैंगोंग सो से थरथराता हुआ निकल जाएगा चीन, और ये भी पूछ रहे हैं कि 5 ही क्यों लाए। देखिए, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आपने देखा राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आया, क्यों नहीं आया? चारे माफी आप मिस करने लगे हैं क्या राहुल गांधी जी को? अगर उनका वीडियो नहीं आता तो मिस करने लगे हैं क्या बीजेपी? मिस कर रहे हैं आप, बहुत मिस कर रहे हैं। जिसने आस्तीन चढ़ा चढ़ा के 1 साल तक चौकीदार आगे नारा लगवाया, इसी के लिए लगवाया था ना, आज वो राफेल भारत की धरती पर और उनकी तरफ से कोई बयान नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए अंजना जी, इन्होंने राजस्थान में अपने विधायकों को जो पिक्चर दिखाई ना, उस मुगले आजम का एक डायलॉग था कि जब्त मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान हो चुकी है, आज जिले इलाही के अरमानों पर बिजली गिरी है। तो आज जब राफेल भारत की धरती पर अवतरित हुआ है तो इनके अरमानों पर बिजली गिरी है, इसलिए शायद मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। और अभी देखिए हमारे मित्र गौरव वल्लभ जी ने क्या शब्द प्रयोग किया। मुझे इस बात के लिए गर्व है कि मेरी पार्टी ने शॉर्टलिस्ट किया था। जनाब, शॉर्टलिस्ट डिफेंस एक्विजिशन कमेटी करती है या उनका कोई पार्टी से लेना देना होता है? हाँ, सरकार का लेना देना होता है त्वरित निर्णय, प्रभावी निर्णय और एग्जीक्यूशन से। शॉर्टलिस्ट तो रक्षा विशेषज्ञ करते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, मगर आपको उसमें नजर आ रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अब इनकी विचारों की क्या हालात कही जाए, ना बेचारे पायलट को समझ पाए ना जहाज को समझ पाए, तो इनकी हालात किसी से छुपती ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया, अब उसमें इन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए बात कही,
तो व्रत, पुण्य और यज्ञ, तो इनकी समझ से परे है, तो सांप्रदायिक शब्द है। अब राष्ट्र और रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए भी इनके जिन महान नेता ने आरोप लगाया है उनकी राष्ट्र रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इससे समझी जा सकती है, जिनको हाफिज में साहब नजर आया हो।